x is equal to x is to power 4 minus 3x square plus 4x plus 5। जी ऑफ एक्स कितना आया x square plus 1 minus x। तुसी की करना सबसे पहला, अगर थोड़े को जरिया मतलब इक्वेशन दिती हुई है उदे विच जो टर्म्स है ठीक है उन्हों का ऑर्डर की है मतलब साडे को डिक्रीजिंग ऑर्डर च लिखते हैं असं इन टर्म उदियाँ पावर्स की फॉर्म के सबसे पहला एक्स केयर आएगा उस तो बाद माइनस एक्स प्लस वन ठीक है। तुम्हें इतना लिखना सबसे पहला हूँ अरेंज करना पहला टर्म्स में ठीक है, वड्डी पावर फिर उस तो छोटी पावर वाली टर्म फिर उस तो छोटी ठीक है एंड सो ऑन। अगे देखो पी ऑफ एक्स नू जी ऑफ एक्स के नाल तुसीं तकसीम करनी है डिवीजन करनी है किदा करनी है साढ़े को इत्थे की है एक्स इज टू पावर 4 ठीक है, इनू एक्स केयर के नाल की कितना डिवाइड देखो ये तुसीं रफ च करने हैं स्टेप किन्ना आ गया एक्स केयर इत्थे लिख लिया ठीक है, एक्स केयर नाल मल्टीप्लाई करके एक्स इज टू पावर 4 आ जाएगा ठीक है। फिर उस तो बाद इनू नैक्स टर्म इत्थे की है माइनस एक्स इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करना किन्ना आ गया माइनस एक्स क्यूब ठीक है, माइनस एक्स क्यूब है देखो उपर साढ़े कोल कितने भी एक्स की पावर 3 नहीं है, क्यूब किनू कहिंदे आ 3 नू एक्स की पावर 3 कितने भी नहीं है वह इत्थे तुसीं अलग तो लिखोगे माइनस एक्स क्यूब ठीक है पावर 3। अगे 1 भी है इत्थे 1 नू इहनां मल्टीप्लाई कीता किन्ना आ गया एक्स स्केयर। हुण देखो इत्थे है टर्म एक्स स्केयर वाली हाँ जी आ देखो है ना इहदे नीचे ली तुसीं लिखोगे एक्स स्केयर ठीक है। उस तो बाद साइन चेंज करने असीं ये प्लस का सी माइनस का हो गया ये भी प्लस का सी माइनस का हो गया ये माइनस की टर्म सी ये कड़ी होगी प्लस की उसके बाद कैंसल हो गया प्लस माइनस कैंसल हो गया जीरो ठीक है। अगे देखो इनू असी कि लिखना आदियाँ पावरस द मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर पहला तुम ये लिखोगे एक्स क्यूब लिख लिया उस तो बाद देखो माइनस 3x स्केयर माइनस एक्स स्केयर कि बन गया है माइनस 4x स्केयर प्लस 4x प्लस 5 ठीक है। उस तो बाद इतने किन्ना साढ़े को एक्स क्यूब आ एक्स क्यूब न एक्स स्केयर नाल इस एक्स स्केयर नाल डिवाइड किया कि आ गया एक्स ठीक है, ये एक्स तुम इतने लिख लिया प्लस एक्स ठीक है। हम देखो एक्स स्केयर इन्ना मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब माइनस मतलब यदा साइन चेंज किया ठीक है कैंसल। उस तो बाद देखो अगे की आ माइनस एक्स गुणा एक्स कि आ गया माइनस एक्स स्केयर उन्होंने ये नीचे लिखता असं एक्स स्केयर वाली टर्म के नीचे ठीक है माइनस एक्स स्केयर फिर माइनस सॉरी प्लस 1 है ठीक है, एक्स ने गुणा किया कि आ गया एक्स ठीक है। जो उन्होंने असी मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई एक्स कि आ गया एक्स ठीक है, साइन चेंज किया असी ठीक है। उस तो बाद की किता देखो माइनस साइन सारे चेंज कर देते ठीक है माइनस 4x स्केयर प्लस एक्स स्केयर कि आ गया माइनस 3x स्केयर देखो माइनस 4x स्केयर प्लस एक्स स्केयर कि आ गया माइनस 4 चो माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आ गया माइनस 3x स्केयर ठीक है प्लस 4x माइनस एक्स 3x 4x के बीचों एक एक्स ने घटा दिता आ गया 3x ठीक है। अगे की नीचे आ गया 5 उस तो बाद देखो इतने कि साढ़े को माइनस 3x स्केयर ठीक है 3x स्केयर वटा ए वाला एक्स स्केयर ठीक है एक्स स्केयर ने एक्स स्केयर करके कि आ गया माइनस 3 माइनस 3 इतने लिखता इन्हें जो इन्हें मल्टीप्लाई किया साढ़े को बनना माइनस 3x स्केयर फिर इस माइनस एक्स में इन्ना गुना कर दो ठीक है माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस एक्स कि आ गया प्लस 3x फिर 1 नू मल्टीप्लाई किया माइनस 3 के नाल कि आ गया माइनस 3 है ना ये भी कैंसल हो गया दिस वन साइन चेंज किए असी ठीक है ये माइनस का सी प्लस का है कैंसल ये प्लस का है माइनस कैंसल प्लस 5 प्लस 3 कि आ गया 5 प्लस 3 8 ये साढ़े को आ गया रिमाइंडर ठीक है। देयरफोर यदा भागफल क्वेश्चन कि आ गया एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 3 तो यदा बाकी रिमाइंडर कि आ गया 8 आंसर।